नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिथिलेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट आ रहा था कि सर हमारे पास लैपटॉप है लेकिन टच पैड कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट आ रहा था कि माउस का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस पर एक वीडियो बनाइए। इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि टच पैड का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, माउस को कैसे यूज़ करते हैं। आपके स्क्रीन पर चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि टच पैड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, माउस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो है लैपटॉप है और ये हमारा कीबोर्ड है, और दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा इसके अंदर ये टच पैड है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये हमारा माउस है, और मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि टच पैड को कैसे यूज़ करते हैं और माउस को कैसे यूज़ करते हैं, दोनों के यूज़ में क्या अंतर है, एक ही काम को हम किस तरह से टच पैड के माध्यम से करते हैं और एक ही काम को हम कीबोर्ड के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हम देख पा रहे हैं जो हमारा माउस है, यहाँ पे वायर माउस है। सबसे पहले मैं इसको जो है हमारा जो यूएसबी जो पोर्ट है यहाँ पे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं ये जो हमारा माउस है ये ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश होता है, और ये जो लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है उसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा पॉइंटर है ये मूव कर रहा है। हम माउस को जिस दिशा में ले जाएंगे हमारा पॉइंटर भी उसी दिशा में मूव करेगा। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारा टच पैड के अंदर भी जो यहाँ पे सेंसर लगा रहता है जो ह्यूमन बॉडी को सेंस करता है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर है, अगर यहाँ पे भी अगर हम राइट अगर इस उंगली को ले जा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं पॉइंटर हमारा राइट जा रहा है, अगर हम लेफ्ट ले जा रहे हैं तो लेफ्ट आ रहा है, अप जा रहे हैं तो अप जा रहा है, डाउन आ रहा है तो डाउन जा रहा है। दोस्तों, बिल्कुल ये दोनों के काम करने का यही सिद्धांत है। हम जिस तरह से माउस को जिस दिशा में ले जा रहे हैं उधर मूवमेंट हो रहा है, और इसी तरह से हम टच पैड को जिस दिशा में यहाँ पे टच कर रहे हैं उस दिशा में हमारा पॉइंटर मूव कर रहा है। ये दोनों में पहली समानता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा माउस है इसके अंदर कितने बटन्स होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि माउस के अंदर आप तीन बटन्स होते हैं, इसको लेफ्ट बटन बोलते हैं, इसको राइट बटन बोलते हैं, इसको स्क्रॉल बटन यूज़ करते हैं। चलिए जानते हैं कि लेफ्ट बटन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जानते हैं कि माउस के माध्यम से हम किसी प्रोग्राम को या कोई फाइल को कैसे ओपन है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो दिस पीसी है, हम यहाँ पे ले गए तो ये चीज़ हमारा सेलेक्ट हो चुका है, और जैसे इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये सीधे जो है ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब जब इसको हम दो बार डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं दो बार डबल क्लिक करके दिखाता हूँ, तो देख पा रहे हैं ये हमारा जो माई पीसी के अंदर जो भी इसके फोल्डर थे, जो भी यहाँ पे हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन है, ये चीज़ हमारा ओपन हो चुका है। कहने का मतलब, जब हम डबल क्लिक करते हैं तो उस फाइल या फोल्डर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रॉस का निशान है, जैसे यहाँ पे ले जाके क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं पुनः हम वहीं पे आ गए जहाँ से हम चले थे। दोस्तों, अगर हम यही काम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर हम यही काम अपने टच पैड के माध्यम से अगर करते हैं तो ये काम कैसे होता है, तो इसके लिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं आपको एक एप्लीकेशन को चला के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट बटन है, तो हम जैसे क्या कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर जो हमारा पॉइंटर है टच पैड करके स्टार्ट पे ले जाना, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम है उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन हमारे इस लैपटॉप के अंदर लोड है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गूगल क्रोम है, जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं हमारा जो है गूगल क्रोम का एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर प्रत्येक एप्लीकेशन का एक अपना जो है स्पेसिफिक जो है यूज होता है। जैसे अगर हमको इंटरनेट एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे पास गूगल क्रोम एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। और दोस्तों, आप देख पा रहे हैं अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। जैसे हमको अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चाहिए, मैंने पहले इसको सर्च किया था, तो यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, या तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने पहले से लिखा था, तो ये लिखाया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे इसको सर्च करेंगे यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ को मिल गया। तो कहने का मतलब, ये एप्लीकेशन ऐसे यूज़ करते हैं जैसे हम लोग मोबाइल में जो है गूगल का यूज़ करते हैं, वैसे हम इस लैपटॉप में ऐसे इस्तेमाल करके किसी रिलेटेड टॉपिक पर इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो माउस हमारा जो है, माउस के अंदर जो राइट बटन है इसका क्या यूज़। तो बात करते हैं कि हम माउस का जो है राइट क्लिक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गूगल क्रोम जो हमारा एप्लीकेशन है इसका यहाँ पर शॉर्टकट की बना हुआ है। अगर हम इसके ऊपर पॉइंटर ले जाते हैं और यहाँ पर इसको लेफ्ट अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाता है।
सेलेक्ट के बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे एक पॉपअप ओपन हो रहा है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओपन लिखा है, ओपन फाइल लोकेशन। कहने का मतलब जो हमने यहाँ पे आइकन्स को सेलेक्ट किया उस आइकन से रिलेटेड हम इतना काम कर सकते हैं, इसको सेंड कर सकते हैं, इसकी कॉपी कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। तो सामान्यतः राइट जो बटन होता है उसका यही यूज़ है कि उस फाइल से रिलेटेड या किसी प्रोग्राम के अंदर जो भी ज़्यादा यूज़ होने वाले जो ऑप्शन होते हैं, जो काम होते हैं, वो राइट बटन के अंदर दिया होता है, जिससे हमारे समय की बचत हो। जैसे अगर इस एप्लीकेशन को हमको ओपन करना है तो यहाँ पे जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ओपन पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं गूगल क्रोम का एप्लीकेशन पुनः ओपन यहाँ पे हो चुका है। इसको दोस्तों क्लोज करना तो यहाँ पे क्रॉस का बटन बना हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हमको इस टच पैड के माध्यम से अगर हमको राइट क्लिक अगर करना हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारा टच पैड है और दोस्तों यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माउस देख पा रहे हैं, ये माउस का लेफ्ट बटन है तो यहाँ पे आपके टच पैड का भी ये लेफ्ट बटन है और इसका ये राइट बटन है तो यहाँ पे भी इसका राइट बटन है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे इस आइकन को सेलेक्ट कर रखा है गूगल क्रोम को और अगर यहाँ पे राइट बटन जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका राइट बटन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पॉपअप यहाँ पे ओपन हो रहा है। पुनः मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट के बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वही इन्फॉर्मेशन वही पॉपअप यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारा टच पैड है ये हमारा राइट क्लिक है, ये हमारा लेफ्ट क्लिक होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे गए और इसको हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। अगर इसको जल्दी जल्दी दो बार अगर क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं यही गूगल क्रोम का एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गूगल क्रोम का एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे अगर इसको क्लोज़ करना तो आप देख पा रहे हैं मैं टच पैड के माध्यम से पॉइंटर को यहाँ क्रॉस पे ले गया और जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पे क्लोज हो चुका है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस माउस का जो है स्क्रोल बटन कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक PDF फाइल पड़ी हुई है और मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं डबल क्लिक करने के बाद हमारा एक PDF फाइल ओपन हो चुका है और इसके वो बड़ा करने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है इस एरो पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 280 पेजेस इस PDF के अंदर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे स्क्रॉल बटन यूज़ ना करें तो अगर हमको बॉटम पे जाना है तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो नेविगेशन बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं हम एक पेज से दूसरे पेज पर ऐसे जा रहे हैं और हम बार बार माउस को क्लिक कर रहे हैं तब दूसरे पेज पर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि सीधे दूसरे पेज पे अगर जाना चाहते हैं तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आप देख पा रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं ये जो मैथ का जो हमारा पेपर है PDF है आप देख पा रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज पर हम कितने आसानी से जो है जा पा रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस की संख्या आप देख पा रहे हैं 280 पेज है। आप देख पा रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हम यहाँ पर स्क्रॉल बटन का यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारा काम क्या हो रहा है आसान हो जा रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं अगर आपको जो है टच पैड के माध्यम से इसको स्क्रॉल करना है तो आपको दो अंगुलियों को ऊपर नीचे ऐसे करके आप जो है इसको जो है स्क्रॉल कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप जो कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।